प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 से। तो सीमा दी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, तो आज फिर उसका कहीं और नंबर लगा रखा है, तो जाएंगे वहाँ दिखाने। अभी सबको नाश्ता करा दिया है, अभी बनाना है मैंने दिन का खाना। तो दिन का खाना बनाने के बाद फिर मैं निकलूँगी हॉस्पिटल। पीछे मीठी बना रही है मैगी, तो बस उसका दर्द जो है वो रुक नहीं पा रहा है। कितने दिनों से ट्रीटमेंट चल ही रहा है उसका, और आज तो ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। तो आज हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर चेंज करें, आज विवेकानंद में दिखाते हैं। चलिए देखते हैं फिर कैसा रहता है। तो अब देखते हैं सीमा दी की तबीयत कैसी है। और अभी आराम तो उसको बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि कितने दर्द के इंजेक्शन लगा दिए हैं, कितनी दवाइयाँ खिला दी हैं, पर बिल्कुल आराम नहीं। कल हमने सीटी स्कैन भी करा लिया, MRI भी करा लिया, तो कुछ भी नहीं आया है। मतलब यही माइग्रेन का दर्द है, वही आया है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि धीरे धीरे ही जाएगा। पहले देखती हूँ मैं इसकी तबीयत कैसी है, फिर कराती हूँ उसे नाश्ता। दोस्तों अभी भी सीमा दी को दर्द हो ही रहा है, अभी इसको पिलाया जा रहा है रियल का जूस, फिर इसको आज हम लेके जाएंगे दूसरे डॉक्टर के पास। और ये देखो जूड़ा कैसा बनाया है उसने, नारायण नारायण जैसा। तो कुहू बता रही है कि उन्हें लेटने में परेशानी हो रही है, इसलिए कुहू ने भी सुबह से बहुत काम किया है। इसकी हालत देखो, ये देखी लगी है काम में, ये भाग गई। चाची आई है सीमा दी की तबीयत देखने। पता नहीं इसको क्यों इतना दर्द है। दर्द तो लेकिन सीमा दी, वैसे तुझे इसी बार हुआ ना, पहले दर्द कहाँ होता था तेरे को? ऐसा दर्द ना, ये माइग्रेन का दर्द तो मुझे याद ही नहीं तुझे कभी उठा, खाली चक्कर आता था इसको। चक्कर ये दर्द तुझे पहली बार हुआ है यार? मतलब वो वैसा दर्द होता था, मतलब हाँ ये माइग्रेन का दर्द होता है ना, ये माइग्रेन दर्द होता है बोले यार, ये सर में। तो इसको ये दर्द नहीं हुआ पहले कभी, इसी बार हुआ है इसका दर्द। हाँ तो दोस्तों हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे बनाना है खाना। तो आज से हमारा लहसुन प्याज सब कुछ बंद है, क्योंकि कल है ससुर जी का श्राद्ध। तो बिना लहसुन प्याज का क्या बनाती, तो इसलिए मैंने सोचा आलू टमाटर बना लेती हूँ। तो आलू टमाटर बना के सबको खाना खिला के हम जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी तबीयत में बिल्कुल आराम नहीं है। तो ये बन रही है मेरी आलू टमाटर, हो गया मेरा मसाला तैयार। दोस्तों इधर बन गई है आलू टमाटर, बन रही है, और उधर चढ़ा दिए मैंने चावल। चलो फटाफट खाना बना के सबको खिलाती हूँ। दोस्तों खाना बन चुका है, बच्चे खा रहे हैं खाना। बीठी की तो फेवरेट है आलू टमाटर। कू तेरी भी फेवरेट है? बीठी को अगर मैं रोज भी आलू टमाटर दे दूँ तो ये खुशी खुशी खा लेगी। सेम कू का हाल है। और अभी मैं वेट कर रही हूँ गिरदा का, यहाँ अक्कू का और पीयू का चल रहा है खाना। अब नैतिक का और जिया जी का हो रहा है वेट, ये दोनों आए नहीं अब तक खाना खाने। फिर इनको खिलाने के बाद फिर मैं खाऊँगी। सीमा दी का खाना भेज दिया है, और दादी का तो है हबीक आज, क्योंकि कल है हमारे ससुर जी का श्राद्ध। कुछ दिए बेटा, नमक ठीक हो रहा आज? मैं खाने में कितना ही नमक डालूं, पर बच्चों को ऊपर से नमक जरूर डालना है। चलिए इनको खाना खिला के फिर मिलती हूँ आपसे। दोनों को देखो कितने मस्त है, मगरूर हो रहे हैं टीवी में और खाने में, क्योंकि अक्षत बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता। आज ये भूखा रह गया बहुत देर, पर चावल बना के कम पड़ गए, अब दोबारा बना रखे मैंने चावल। दोस्तों खाना वाना हो गया, सबको खाना करा दिया, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। दो बज चुका है और बच्चे अपने आप जाएंगे कराटे क्लास। और ये कुहू भी मुझे परेशान कर रही है, कह रही है कराटे ड्रेस लेने चलो। तो मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं पहले इसको कराटे ड्रेस दिलाने जाऊँ, फिर इसकी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाऊँ। तो मैं सीधे पहले जाती हूँ हॉस्पिटल उसको लेके, फिर मिलते हैं आपसे सीधे हॉस्पिटल के पास। क्यों क्यों पार्लर काम के लिए सुन रहे हैं गाइस आप लोग? तो मुझे बोल रही है कि जबरदस्ती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें ताकत हो ना हो तुम चलोगी। क्योंकि जानना बड़ी मेरे को बात करनी तो मैं इधर रखूंगी काम पे। बातें करेगी अब चेंज। चल फटाफट कर, दो बज गया यार। दो बज चुका है। हम आ गए हॉस्पिटल, अभी तो डॉक्टर साहब बैठे नहीं है। डॉक्टर साहब बैठेंगे 2:30 से 3, तो हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं वेट। देखो सीमा दी अभी
थोड़ा सही महसूस कर रही है ना, ठीक हो रहा है अभी तो? तभी भी ठीक हो रहा है क्योंकि दवाई खा के आई है ना घर से, अभी वेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हमेशा लेट ही आते हैं क्योंकि वो सर्जरी में रहते हैं, 2:30 से 3 के बीच में ही देखते हैं पेशेंट। बस तो हमारा 6ठा नंबर है, देखो कितने तो जल्दी आता है। तो अब आने हैं डॉक्टर साहब, तो आने वाला हमारा भी नंबर 6ठा नंबर है हमारा, तो अभी चल रहा है 3रा नंबर। तो अभी नंबर आता है फिर हम दिखाते हैं, फिर मिलेंगे आपसे दिखाने के बाद। दोस्तों हम कर रहे थे डॉक्टर साहब का वेट, और डॉक्टर साहब आने के बाद फिर ओटी चले गए, अब फिर करना पड़ेगा 2 घंटा वेट। आजकल हमारा रोज हॉस्पिटल का ही चक्कर लग रहा है, देखते हैं कितनी देर में आते हैं डॉक्टर साहब। दोस्तों डॉक्टर साहब का इंतज़ार करते करते हम थक गए, उतने में हो गया एक कॉमेडी कि मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ, अलग अलग चप्पल पहन के देखिए। सब दिमाग खराब है, देखिए अलग अलग चप्पल पहन के आ गई और अभी देखा है मैंने कितनी शर्म की बात है, मैं देखिए अलग अलग चप्पल पहन के आ गई हूँ और मैंने अभी देखा है, अब शर्म आ रही है मुझे, कैसे जाऊँगी मैंने इसका। तू पहन ले वाली चप्पल, तो बीमार है, चल बीमारी में चल जाएगा कि इसने जल्दीबाजी में अलग अलग चप्पल पहन ली और मैं दोनों चप्पल। जैसे वेट करते करते हो गया 4 बज गए, डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए ओटी से, कितनी देर में आते हैं। सीमा देखो आ गया गुस्सा, कह रही घर चलो मुझे नहीं दिखाना है, क्योंकि इंतज़ार करते करते हो गया है 5, अभी तक नहीं आए डॉक्टर साहब। क्या कहना चाहते घर चलो कह रही है। 5:30 आ गए हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब के आते ही भीड़ देखिए, डॉक्टर साहब के आते ही यहाँ इतनी भीड़ हो गई है। हमारा 6ठा नंबर, वो हम अब दिखाने के बाद मिलते हैं आपसे लेते हैं। तो दोस्तों दिखा के हम जाते हैं घर, दिखा दिया है, मेडिसिन ले ली है, 5 दिन की दवा ले रखी है, अब मिलते हैं आप उससे घर में। ये है मेरे क्लाइंट जिनको करवानी है आईब्रोज, तो हॉस्पिटल से आते मैं आईब्रो कर रही हूँ, देखिए एक को करके भेज दिया है, अब 2 है वेटिंग में, तो इनके आईब्रोज करके फिर मिलते हैं। दोस्तों आईब्रोज करके अब हो गई फ्री, अब है क्लीन अप, और फटाफट करके क्लीन अप करने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो पार्लर से फ्री होके मैं आ गई हूँ अंदर, यहाँ बना रही हूँ खाना। खाने में मैंने बना दिया आलू के गुटके और थोड़ा सा दही वाली सब्जी। सीमा देखो क्योंकि जल्दी खिलाना था उसको, दवाई खानी थी, बच्चों ने तो खा लिया खाना। अब मेरी थोड़ी बहुत रोटी और रह गई, वो बना के फिर मिलती हूँ आपसे। तो खाना पीना सबका हो चुका है, सबको खाना खिला के और स्टेला को भी खाना खिला के मैं आ चुकी हूँ ऊपर। रात के बज चुके हैं 10 और अब करती हूँ ब्लॉग को एंड। कल मिलेंगे अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।